अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने इक्वेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जिसमें कहा गया है कि एनर्जी और मास दोनों एक ही मैटर हैं। बस इसमें इतना ही फर्क है कि ये दोनों डिफरेंट फॉर्म में काम करता है, और साथ में वे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज करने के लिए भी जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्होंने साल 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज जीते। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च साल 1879 में जर्मनी के बुटेनबर्ग के उल्म में हुआ था। आइंस्टीन के पेरेंट्स सेकुलर मिडिल क्लास के ज्यूज फैमिली से बिलोंग करते हैं। आइंस्टीन के पिता हरमन आइंस्टीन, जो कि एक फिदरेट सेल्समैन थे और फिर बाद में मॉडरेट सक्सेस के बाद एक इलेक्ट्रो केमिकल फैक्ट्री चलाते थे। आइंस्टीन की माँ पूर्व पॉलिन को, जो कि फैमिली के हाउस होल्ड थी, उनकी एक बहन मरिया, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से 2 साल छोटी है। दोस्तों, आइंस्टीन को पहली बार सिर्फ 5 साल की उम्र में एक कंपास के साथ सामना हुआ। उनका इंक्वायरिंग माइंड इमीडिएटली यह पता लगाने की कोशिश करने लगा कि कंपास की जो नीडल है वह सिर्फ नॉर्थ की ओर ही क्यों पॉइंट करती है। इसी ने उन्हें साइंस की ओर आकर्षित किया। जब आइंस्टीन बड़े हुए तो उनके पेरेंट्स ने किसी स्कूल में भेजने का डिसाइड किया। आइंस्टीन के पेरेंट्स ज्यादातर ज्यूज धर्म में बिलीव नहीं करते थे। आइंस्टीन म्यूनिक के कैथोलिक स्कूल में गए। अल्बर्ट को ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस कठिन लगती थी और आइंस्टीन उन लैंग्वेजेस को ज्यादा नहीं सीखते थे। आइंस्टीन ज्यादातर टाइम अकेला स्पेंड करते थे। उनकी अपनी एज का कोई फ्रेंड नहीं था। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता था कि वे किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं। फिर मैक्स टर्मी, एक मेडिकल स्टूडेंट से उनकी दोस्ती होती है, और मैक्स टर्मी ने आइंस्टीन को ज्योमेट्री की एक किताब देते हैं। दोस्तों, आइंस्टीन केवल 10 वर्ष के थे जब उनको यह किताब मिला। आइंस्टीन उस किताब को बार बार पढ़ने लगे जब तक कि ज्योमेट्री की थ्योरी उनके दिमाग में नहीं छप जाती। ज्योमेट्री की लॉजिकल प्रोपोजिशन में आइंस्टीन यूनिवर्स में ऑर्डर को देखते हैं। दोस्तों, आइंस्टीन को इस ज्योमेट्री की बुक्स ने उन्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड कर दिया कि वह ज्योमेट्री क्लास में जाने के इंतजार नहीं कर सकते थे। जब आइंस्टीन केवल 11 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का स्टडी किया। बाद में आइंस्टीन के लाइफ में उनके फादर की फैक्ट्री बैंकक्राफ्ट हो गया तो उनके फैमिली ने इटली जाने का डिसाइड किया, लेकिन आइंस्टीन को वापस से रुकना पड़ता है क्योंकि वह अभी भी स्कूल में थे। आइंस्टीन के फादर आइंस्टीन के लिए उनके फ्रेंड्स के घर में बोर्ड और कमरे की अरेंज करके इटली चले जाते हैं। जब उनके फैमिली के जाने के बाद आइंस्टीन काफी अकेले हो जाते हैं। आइंस्टीन के कुछ कैजुअल फ्रेंड बनते हैं, लेकिन वह अपने स्कूल में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद में आइंस्टीन इटली में अपने फैमिली के पास आ जाते हैं। आइंस्टीन कुछ समय के लिए इटली में घूमते रहते हैं, अपने फ्यूचर के लिए अपने प्लान को टालते रहते हैं। अपने फादर के बिजनेस फेल होने के बाद उन्हें अब अपने फादर की किसी भी तरह से फाइनेंस की मदद नहीं मिल सकता था। फिर उनके फैमिली की सपोर्ट मिला और उसके लिए एक छोटी मंथली राशि इकट्ठा किया जाता है, और तब जाकर आइंस्टीन स्कूल जाने की उम्मीद में स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होते हैं। दोस्तों, जब आइंस्टीन ज्यूरिक के स्विट्जरलैंड पॉलिटेक्निक स्कूल में गए तो उनके मैथ्स के नॉलेज से सब कोई चकित रह गए। लेकिन दोस्तों, अभी भी अल्बर्ट आइंस्टीन की परेशानी कम नहीं हुआ था। गरीब फ्रेंच होने के कारण उन्हें स्कूल में अंदर जाने का अनुमति नहीं मिलता था, लेकिन अराउंड 1 साल बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई में अच्छे रिकॉर्ड के साथ पास होते हैं। फिर वे साइंस में टीचर असिस्टेंट के रूप में पॉलिटेक्निक स्कूल में लौट आए। आइंस्टीन हमेशा यही सोचते थे कि कंपास में जो छोटी नीडल होता है वह कैसे काम करता है, जिससे वह नेचर लॉ की ब्यूटी और व्यवस्था को समझना चाहते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को स्विस नागरिक होने के लिए उन्हें अपना जर्मन नागरिकता छोड़ना पड़ा। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन को पीएचडी तक जाते जाते उन्हें कई सारी जॉब्स करनी पड़ी। उन्हें सेम इंटरेस्ट रखने वाले कुछ दोस्त थे और उनमें से एक मिलेवा मारिया नाम की एक लड़की थी। मिलेवा एक फिजिक्स टीचर बनने के लिए प्लान बना रही थी। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने जैसे ही पीएचडी रिसीव किया, वह मिलेवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन कोई जॉब्स के बिना यह असंभव लग रहा था। तो आइंस्टीन ने फिर बर्न में स्विस पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क के रूप में जगह लिया। फिर उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलेवा से शादी कर लेते हैं। आइंस्टीन अभी भी सिर्फ 20 साल के ही थे जब उन्होंने वाटर और एनर्जी के बीच रिलेशन के न्यू फैक्टर्स की खोज की। जब आइंस्टीन 36 वर्ष के थे तब उन्होंने रिलेटिविटी और लाइट की थ्योरी पर काम किया। कुछ समय बाद उन्होंने द ईयर बुक्स ऑफ फिजिक्स नामक बुक्स लिखी। उन्होंने अपना पहला फार्मूला इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर पूरा किया जब उनका फिजिक्स और नर्वस कैलापोस हुआ और हफ्तों तक बीमार रहे। उन्होंने एक बुक्स पब्लिश किया जिसमें एटम्स को टूटने की स्टैब्लिश किए। दोस्तों, इस बुक से जानकारी ने लोगों को एटम्स बॉम्ब का आइडिया दिया, जिससे बनाकर 60,000 पुरुष, महिलाओं और बच्चों को मार डाला गया। दोस्तों, आइंस्टीन कभी नहीं चाहते थे कि उनके काम का इस तरह से यूज किया जाएगा। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए एक फैक्ट स्टोरी बताई जाती है कि जब अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था तो उनका हेड बहुत बड़ा था और साथ में उनके शरीर का वजन भी काफी ज्यादा था। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन के सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट में से एक यह भी है कि वह देर से बात करने वाले पर्सन थे। इसके लिए उनके पेरेंट्स को चिंता हो रही थी।
कि वह मेंटली डिसेबल हो सकते थे क्योंकि वह 4 साल की उम्र से बात नहीं करते थे। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आगे यह भी कहा जाता है कि वह म्यूजिक प्रेमी थे। वह अपने अधिकांश जीवन के लिए म्यूजिक के प्रति जुनूनी थे और उन्होंने अक्सर यहाँ तक कहा है कि वह म्यूजिक टर्म में सोचते थे और म्यूजिक में अपनी सबसे बड़ी हैप्पीनेस का अनुभव करते थे। हालांकि आइंस्टीन ने यह भी कहा था कि यदि वे फिक्स्ड नहीं होते तो संभवतः वह म्यूजिशियन बन जाते हैं। दोस्तों जहां एवरेज पर्सन की नींद 6 से 8 घंटे में पूरा हो जाता है, वही अल्बर्ट आइंस्टीन 10 घंटे सोते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 2 महीने की वर्क ट्रिप के लिए यूनाइटेड स्टेट की ट्रेवल किए और साथ में अपनी वाइफ एल्सा को भी साथ लाए। जर्मनी में नाजी आंदोलन उठा और उन्होंने आइंस्टीन और उनके विचारों को निशाना बनाया गया। नाजी साइंटिस्ट द्वारा आइंस्टीन के रिलेटिविटी के थ्योरी को भी डिनाउंस की और साथ में उनके द्वारा लिखी गई फेमस नाजी बुक्स को जलाने लगे। साल 1933 में जब एडोल्फ हिटलर जर्मन के चांसलर बने, जबकि उस समय आइंस्टीन अमेरिका में थे, हिटलर के बढ़ते तनाव और एंटी सेमिटिज्म ने उन्हें यह महसूस करने के लिए रियलाइज किया कि वह जैविश रूट्स के कारण जर्मनी वापस नहीं जा सकते हैं। आइंस्टीन ने साल 1935 में अमेरिका नागरिकता के लिए आवेदन दिया और वह साल 1940 में अमेरिका के नागरिक बन गए। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे जिन्होंने बौर और नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यहूदी साइंटिस्ट के रूप में वह समाज में हो रहे अन्याय से अधिक तरह से वाकिफ थे। उन्होंने लिंकन यूनिवर्सिटी में दिए गए स्पीच में नस्लवाद को एक बीमारी कहा और इसके खिलाफ खुलकर बातें की। साल 1952 में जब इजराइल के पहले प्रेसिडेंट चेयरमैन की डेथ हो जाती है तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रेसिडेंट का पोजीशन संभालने के लिए कहते हैं, लेकिन आइंस्टीन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर देते हैं। दोस्तों आइंस्टीन की सबसे मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फोटोग्राफ्स में से एक है जहां वह नासमझ का दिखावा करते हुए, जहां पर वह मुस्कुराते हुए अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए उनकी तस्वीरें ली जाती है। दोस्तों यह तस्वीर 14 मार्च साल 1951 को आइंस्टीन के 72वें जन्मदिन पर ली गई थी। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल UPI के एक फोटोग्राफर ऑथर साथ से चाहते थे कि आइंस्टीन कैमरे के लिए मुस्कुराए। हालांकि आइंस्टीन उस दिन पहले ही कई फोटोग्राफ्स के लिए मुस्कुरा चुके थे और उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकालने का फैसला किया। आइंस्टीन को यह तस्वीरें पसंद आई और उन्होंने UPI से पर्सनल यूज के लिए उन्हें 9 कॉपीज भेजने के लिए कहा। उन्होंने एक रिपोर्टर के लिए कॉपीज में एक सिग्नेचर किए और साल 2009 में सिग्नेचर तस्वीर $24,324 में बेची गई। दोस्तों आइंस्टीन को उनके एब्डोमिनल एरोटा एरिज्म के कारण इंटरनल ब्लीडिंग का सामना करना पड़ा। डॉक्टर इनकी उम्र बढ़ा सकते थे लेकिन आइंस्टीन ने सर्जरी कराने के लिए इनकार कर दिया और उनका कहना था कि मैं जब चाहूं जाना चाहता हूं। आर्टिफिशियली जीवन को लंबा करना बेस्वाद है। मैंने अपना जीवन शेयर किया, यह जाने का समय है, मैं इसे सांस से करूंगा। और यह कहते हुए 18 अप्रैल साल 1955 को उसी मेडिकल सेंटर में डेथ हो जाती है। ब्रिलियंट 76 वर्ष के थे जब उनकी डेथ होती है। दोस्तों यह सबसे चौंकाने वाला इंसिडेंट है जब साल 1955 में अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट थॉमस स्टोलेज हार्वे ने अपने फैमिली की अनुमति के बिना आइंस्टीन के ब्रेन और आंखों को हटा दिया जाता है। दोस्तों हार्वे ने इस उम्मीद में कि न्यूरोलॉजिस्ट यह पता लगा सकते हैं कि आइंस्टीन को इतना इंटेलिजेंट क्यों बनाया, उन्होंने ब्रेन को प्रिजर्व किया और उनको 170 टुकड़ों में काट दिया गया। जब आइंस्टीन के फैमिली को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इवेंचुअली उन्हें इस कंडीशन के तहत जारी रखने की परमिशन दिया गया कि स्टडी को मीडिया सेंसुलाइज नहीं बनाना जाना चाहिए। आइंस्टीन के ब्रेन पर किए गए स्टडी से पता चला कि उनके ब्रेन का आकार और वजन नॉर्मल लिमिट्स के भीतर था। हालांकि नॉर्मल ब्रेन की कंपेयर में कुछ डिफरेंस था, जैसे कि स्पेचुअल और न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल ब्रेन का रेगन समान से प्रोपोर्शनली बड़ा था। कुछ स्टडीज में यह भी पता चला कि उनके ब्रेन में अदर ब्रेन की तुलना में अधिक ग्लियल सेल्स थी। ये सेल्स ब्रेन में न्यूट्रिएशन और माइलिन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, जो कि न्यूरॉन में तेजी से इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए असिस्ट करती है।